हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रियल डायमंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दौलत की पहली फाइल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस फाइल को आप अपने मस्तिष्क के अंदर इंस्टॉल करेंगे और अपार दौलत को हासिल करेंगे। उससे पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोर अपडेट के लिए बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं। चलो दोस्तों, हम आपको दौलत की पहली फाइल की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, अमीर लोग सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का निर्माण खुद करता हूँ। दूसरी ओर मानसिक रूप से गरीब लोग सोचते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं घटित होती है। दोस्तों, अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको यह मानना अनिवार्य होगा कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। आपको इस बात पर यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का चयन करते हैं। चेतन और अचेतन रूप से जिम्मेदार आप खुद ही हैं। दूसरी तरफ मानसिक रूप से गरीब लोग अपने जीवन में आने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का मुख्य विचार अक्सर बेचारा मैं होता है और इरादे के नियम के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को यही मिलता है, वे बेचारे ही बने रहते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि मैंने कहा है कि पीड़ित की भूमिका निभाना, मैंने यह नहीं कहा कि वो पीड़ित है। असल में कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं होता, लेकिन दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि लोग पीड़ित की भूमिका निभा रहे हैं? इसके लिए तीन स्पष्ट संकेत है। पीड़ित व्यक्ति का पहला संकेत, दोष मढ़ना। वे अमीर क्यों नहीं है, इस बात के लिए ज्यादातर पीड़ित दोष मढ़ने के खेल में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरकार को दोष देते हैं, वे अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे शेयर बाजार को दोष देते हैं, वे अपने हेड मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, वे कस्टमर सर्विस को दोष देते हैं, वे अपनी अपर लाइन और डाउन लाइन को दोष देते हैं, वे अपने पार्टनर को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं और जाहिर सी बात है कि वो अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया। दोस्तों, पीड़ित व्यक्तियों का दूसरा लक्षण है, खुद को सही ठहराना। पीड़ित व्यक्ति हमेशा हर स्थिति के अंदर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है और ऐसे व्यक्ति हमेशा एक बात कहते हैं कि पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप कहें कि आपका पति, आपकी पत्नी, आपका दोस्त और आपका परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या उनमें से कोई भी व्यक्ति आपके पास ज्यादा समय तक रहेगा? जाहिर सी बात है, नहीं रहेगा। दोस्तों, यही वजह है कि पैसा भी हमारे पास नहीं रहता। साथ ही पीड़ित लोग और मानसिक रूप से गरीब लोग अपनी वित्तीय अकुशलता को तार्किक सिद्ध करने के लिए तरह तरह की अतार्किक तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि पैसा प्रेम जितना महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, यह तुलना कितनी मूर्खतापूर्ण है। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, आपका हाथ या पैर? शायद दोनों ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, पीड़ित व्यक्तियों का तीसरा प्रमुख लक्षण है, शिकायत करना। ऐसे व्यक्ति हमेशा शिकायत करने पर तुले रहते हैं। दोस्तों, मैं ब्रह्मांड के उस नियम पर विश्वास करता हूँ जो प्रत्येक चीज पर लागू होता है। वो नियम कहता है कि किस चीज पर आप ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वो चीज बढ़नी शुरू हो जाती है। इस नियम के अनुसार जब आप शिकायत करते हैं तो आप जिस चीज पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, चूंकि आप गलत चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं इसलिए आपके जीवन में गलत चीजें ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, हमारी एक वीडियो के अंदर हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी। उस नियम के अनुसार चीजें अपनी जैसी चीजों को आकर्षित करती है और जाहिर सी बात है अगर आप शिकायत करते हैं तो दरअसल आप अपने जीवन में गलत चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों, हम यहाँ एक और काम की बात बता दें। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप शिकायत करने वाले लोगों के आसपास भी न रहें। अगर आपको उनके आसपास रहना पड़े तो आपके पास औलाद का छाता होना चाहिए, वरना गलत चीजें आपके पास भी आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, दोष मढ़ना, शिकायत करना, खुद को सही ठहराना दवा की गोलियों की तरह है। ये तनाव कम करने वाली गोलियों से ज्यादा कुछ नहीं है, ये असफलता के तनाव को कम करती है। इसलिए दोस्तों, आगे से जब भी आप खुद को दोष मढ़ते, शिकायत करते या खुद को सही ठहराते हुए पाए तो तत्काल रुक जाएं और खुद को याद दिलाएं कि हम अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, हम हर पल सफलता और असफलता को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कि हमारे प्रत्येक शब्द और विचार का चयन बड़ी ही सावधानी के साथ होना चाहिए।
अब अपनी शक्ति को पहचानने और यह स्वीकार करने का समय है कि आप अपने जीवन में मौजूद हर चीज का निर्माण करते हैं और उन चीजों का निर्माण भी करते हैं जो आपके जीवन में मौजूद नहीं है। यह जान ले कि हम अपनी दौलत और अपनी कंगाली और उन दोनों के बीच के हर स्तर का निर्माण करते हैं। इसलिए दोस्तों अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर मेरे साथ घोषणा करें कि मैं अपनी वित्तीय सफलता का निर्माण खुद करता हूँ। मैं अपनी वित्तीय सफलता का निर्माण खुद करता हूँ। अपने सिर को छूकर कहें कि मेरे पास मिलीनियर माइंड है, मेरे पास मिलीनियर माइंड है। धन्यवाद दोस्तों।